इस वीडियो में मैं आपको चार वो स्टेप दिखाऊंगा जिसको इम्प्लीमेंट करके आपका बिजनेस को आप ऑटोमेट कर सकते हैं और आपका साइट विजिट को डबल और ट्रिपल भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक अदर रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स। इसमें हमारा मैक्सिमम काम को ऑटोमेट करेंगे और ऑटो पायलट में रन करके हमारा डिपेंडेंसी को रिड्यूस करेंगे और हमारा बिजनेस प्रोसेस को और भी स्मूथ बनाएंगे। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, सेकेंड कैसे हम लोग कैंपेन क्रिएट करके कस्टमर्स को ऑटो फॉलोअप कर सकते हैं और उस कस्टमर्स का साथ में 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 1 साल तक जुड़े रह सकते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर से। थर्ड, कैसे हमारा प्लेटफॉर्म को दूसरा लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, गूगल का वेबसाइट, पोर्टल, इनसे कनेक्ट कर सकते हैं और लीड्स को एक सेंट्रलाइज जगह पे लेके आ सकते हैं ताकि हमारा लीड लीकेज को रोक पाए। फोर्थ, कैसे इस प्लेटफॉर्म को यूज करके हमारा मल्टीपल यूजर क्रिएट कर सकते हैं आप अपना सेल्स टीम मेंबर्स के लिए। फिफ्थ, कैसे हम लोग डिपेंडेंसी को रिमूव करके लीड्स को ऑटो शेयरिंग कर सकते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली हमारा टीम मेंबर्स का पास में भेज सकते हैं और बिजनेस को और भी ऑटो पायलट में रन करके टीम का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। टू क्रिएट ए फ्री अकाउंट आप realauto.in पे आइए और यहाँ पे नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, कंपनी नेम, सारा डिटेल्स देके एक अकाउंट क्रिएट करिए। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपका व्हाट्सएप पे और आपका ईमेल पे यूज़र आईडी और ऑटो जनरेटेड पासवर्ड्स आ जाएगा जो कभी भी आप चेंज कर सकते हैं। आप लॉगिन और साइन अप बटन पे क्लिक करके अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड दीजिए और लॉगिन कीजिए। आप लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखने को मिलेगा। सेटिंग्स में क्लिक करके आप अपना पासवर्ड किसी भी टाइम पे चेंज कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे आप अपना व्हाट्सएप को स्कैन करके आपका व्हाट्सएप को कनेक्ट कर सकते हैं और आपका सारा डिटेल्स, कितना लीड्स आया है, कौन सा प्लेटफॉर्म से आया है, ये सब कुछ देख सकते हैं। इस फनल के जरिए से आप देख सकते हैं कि कितना लीड्स कौन सा कैटेगरी में है, कौन सा स्टेज में है और टीम परफॉर्मेंस में आप अपना टीम का ब्रेक इवन करके भी देख सकते हैं कि किस टीम मेंबर्स का कैसा परफॉर्मेंस जा रहा है टू सीइंग देयर डेटा। हाउ टू क्रिएट द फॉलोअप ऑटोमेशन। अगर आप कस्टमर को लॉन्ग टाइम के लिए ऑटो फॉलोअप करना चाहते हैं तो फिर आप कैंपेन को क्लिक करके आप एक कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक नया कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर क्रिएट ए कैंपेन बटन पर क्लिक कीजिए और एक कैंपेन का नाम देके उसको सेव कीजिए सबमिट बटन पे प्रेस करके। अब यहाँ पे मैं अनलिमिटेड इवेंट्स तैयार कर सकता हूँ। इवेंट्स पे क्लिक करके आप मीडियम चूज करें, आपका रेफरेंस के लिए एक इवेंट्स का नाम दीजिए, कौन सा टाइम पे उस मैसेज को आप डिलीवर करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। मैं चाहता हूँ इमीडिएटली वो मैसेज ट्रिगर हो तो मैं इमीडिएटली रखूंगा और उसका साथ साथ आप कौन सा मैसेज भेजना चाहते हैं उस मैसेज को यहाँ पे टाइप करें। इमीडिएटली अगर प्रोजेक्ट का बारे में डिटेल्स भेजना चाहते हैं तो फिर आप प्रोजेक्ट का बारे में सारा डिटेल्स यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। ऐड फुल नेम पे क्लिक करके आप कस्टमर का नाम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सारे कंटेंट टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे अटैचमेंट पे क्लिक करके भी मैं कोई अटैचमेंट देके इसको सेव भी कर सकता हूँ। मैं अभी के लिए इस कंटेंट का साथ में जाना चाहता हूँ तो मैं इस कंटेंट को टाइप करके सेव करता हूँ। ऐसे ही अगर आप SMS भेजना चाहते हो तो ऐड इवेंट पे क्लिक करें और SMS पे क्लिक करें, इवेंट्स का कोई भी एक नाम रखें आपका रेफरेंस के लिए, जस्ट लाइक टाइम सिलेक्ट करें। मैं इमीडिएटली भेजना चाहता हूँ तो इमीडिएटली रखूंगा, बाय डिफॉल्ट डियर रहेगा, उसका साथ में मैं मैसेज टाइप करता हूँ। ध्यान रहे ये 130 कैरेक्टर का नीचे होना चाहिए एंड सेव। इस तरीके से आप मल्टीपल इवेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं 2 दिन का बाद में भी कोई मैसेज भेजना चाहता हूं तो मैं ऐड इवेंट पे क्लिक करके फिर से मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करूंगा और इवेंट्स पे मैं 2 दिन का बाद मेरा रेफरेंस के लिए सेकेंड डे रखूंगा और इमीडिएट को आफ्टर करके इसको मैं 2 दिन करूंगा और टाइमिंग को चूज करूंगा। मैं चाहता हूं सुबह 10 बजे व्हाट्सएप शूट हो जाए मेरा व्हाट्सएप नंबर से। आप चाहें तो कोई अटैचमेंट भी दे सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अनलिमिटेड डेज के लिए इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, मतलब मैसेज क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ये एक कैंपेन है जहाँ पे मैंने इमीडिएटली इस मैसेज को टाइप करके रखा हूँ जो लीड्स का व्हाट्सएप पे डिलीवर होगा, मैसेज टाइप करके रखा हूँ जो इमीडिएटली SMS पे डिलीवर होगा
मेरा लीड्स का पास जो फर्स्ट डे, मतलब अगर एक तारीख में लीड आता है तो सेकंड जनवरी, अगर फर्स्ट जनवरी को लीड्स आता है तो सेकंड जनवरी 8:30 AM पे ये व्हाट्सएप डिलीवर होगा, सेकंड जनवरी 8:30 AM पे ये SMS डिलीवर होगा, थर्ड जनवरी 11 AM पे ये व्हाट्सएप डिलीवर होगा, थर्ड जनवरी 11 AM पे ये SMS डिलीवर होगा। इस तरीके से मैं बहुत सारा मैसेज को सेव करके रख सकता हूँ जो ऑटोमेटिकली एज पर द डेट एज पर द टाइम कस्टमर का पास में ऑटोमेटिकली डिलीवर होते रहेगा और आपका फॉलो अप का कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगा। ये सारा मैसेज, ये सारे व्हाट्सएप आपका व्हाट्सएप नंबर से डिलीवर होगा। थर्ड, लीड कलेक्शन एंड लीड अटैचमेंट। अगर आप फेसबुक पे लीड जनरेट करते हैं और उस लीड का साथ में आप कनेक्ट करना चाहते हैं, मतलब अगर आप फेसबुक से जो भी लीड्स आते हैं उसके ऊपर ऑटोमेटिकली मैसेज जाए, व्हाट्सएप जाए, अगर ये सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपका फेसबुक का साथ में इसको कनेक्ट कीजिए। इसके लिए आप फेसबुक इंटीग्रेशन में क्लिक करें, आप कंटिन्यू विथ फेसबुक पे क्लिक करके आपका अकाउंट का साथ में इसको कनेक्ट करें। कंटिन्यू विथ आयन साहा। अब आप देख पाएंगे आपका अकाउंट पे जितना सारा पेजेस हैं वो सारे आपका इस ड्रॉप डाउन पे, आप इसमें से आपका करंट पेज को सिलेक्ट करें। आप आपका उस पेज के अंदर पे जितना सारा फॉर्म है सारे फॉर्म को आप यहाँ से देख पाएंगे। आप जो करंट लीड जेन फॉर्म को आप यूज कर रहे हैं उसको आप सिलेक्ट करें, प्रोजेक्ट का नाम दें, मतलब जो प्रोजेक्ट के लिए आप उस लीड जनरेशन कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे न्यू बटन को क्लिक करके दें। अगर आप सेकेंड टाइम में इसको एंट्री कर रहे हैं तो फिर आप ओल्ड को क्लिक करके आप ड्रॉप डाउन से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सेगमेंट आप न्यू भी दे सकते हैं, अगर फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो फिर आप न्यू पे क्लिक करके आप सेगमेंट का नाम दे सकते हैं। सेगमेंट इज जस्ट लाइक ए लेवल और आप एज ए सोर्स का हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ओल्ड सिलेक्ट करके इसको फेसबुक कर रहा हूँ क्योंकि मैं फेसबुक का साथ में इसको कनेक्ट कर रहा हूँ और ये लीड फेसबुक से आ रहा है। कैंपेन चूज करें, जो कैंपेन हम लोगों ने बनाए थे उस कैंपेन को यहाँ से चूज करें। न्यू प्रोजेक्ट नेम का साथ में फुल नेम, फोन नंबर और ईमेल, और अगर आप एक्स्ट्रा कोई एडिशनल फील्ड ले रहे हैं तो उसको आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको सबमिट करें। जैसे आपको कोई फेसबुक से लीड आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका न्यू प्रोजेक्ट के अंदर पे जो मैसेज आपने सीक्वेंस बना के रखे वो ऑटोमेटिकली जाना शुरू हो जाएगा। जो भी लीड्स आएगा वो सारे लीड्स आप ऑल लीड्स पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। किसी भी टाइम पे लीड्स को आप सोर्स का द्वारा फिल्टर कर सकते हैं, प्रोजेक्ट का द्वारा फिल्टर कर सकते हैं और डेट वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं। कोई कस्टमर्स को अगर आप व्हाट्सएप SMS नहीं भेजना चाहते हैं या कस्टमर्स आपको स्टॉप करने के लिए बोलता है तो आप लीड्स को सिलेक्ट करके स्टॉप कैंपेन को क्लिक करके उस लीड को मैसेज जाने से रोक सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका स्टेटस अभी ऑफ है, इसका मतलब इस लीड का पास में आप किसी भी तरीके का व्हाट्सएप SMS और ईमेल जो कि ऑटोमेटेड है नहीं जाएगा। आप किसी भी टाइम पे मैनुअली लीड को ऐड कर सकते हैं ऐड लीड्स बटन पे क्लिक करके, और सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद आप एक कैंपेन चला सकते हैं। किसी भी टाइम पे आप इंपोर्ट लीड्स पे क्लिक करके आप एट ए टाइम पे बल्क लीड्स को अपलोड भी कर सकते हैं वाया CSV फाइल, और आप कैंपेन को चूज करके ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। 4 टीम मैनेजमेंट। सेटिंग्स में क्लिक करके आप मैनेज स्टाफ में क्लिक करें और आप हर एक सेल्स मेंबर्स के लिए आप यहां पे एक अकाउंट बना सकते हैं। किसी भी टाइम पे एक्शन पे क्लिक करके आप अपना यूजर्स को स्टॉप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसको इनएक्टिव भी कर सकते हैं। हर एक टीम मेंबर का यूजर आईडी और पासवर्ड्स अलग होगा और रियल ऑटोमेटिक लॉगिन कर सकता है अपना यूजर आईडी और पासवर्ड्स देके और उसी लीड्स के ऊपर में काम कर सकता है जिस लीड्स को आपने असाइन किए हैं या ऑटोमेटिकली असाइन हुआ है। आपका यूजर्स, आपका टीम यूजर आईडी और पासवर्ड्स देके उसका खुद का पैनल में लॉगिन कर सकता है और वहां से रिमार्क्स भी देख सकता है हर एक लीड्स के ऊपर, और ये सारे रिमार्क्स आप अपना डैशबोर्ड्स पे भी देख सकते हैं और आपका टीम का परफॉर्मेंस भी मेजर कर सकते हैं। 5th, लीड शेयरिंग। आप सेटिंग्स में क्लिक करके अकाउंट सेटिंग्स में क्लिक करें और लास्ट ऑप्शन सेंड न्यू लीड नोटिफिकेशन टू स्टाफ इसको एनेबल करें। जैसे आप इसको एनेबल करेंगे ऑटो असाइन आपका एनेबल हो जाएगा और प्रोजेक्ट और स्टाफ को कनेक्ट करके आप लीड को ऑटो शेयरिंग कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरा पास में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ये दो टीम असाइन है, टीम ए और टीम बी। मीन्स अगर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे किसी भी तरीके कोई भी लीड्स आता है तो फर्स्ट लीड्स टीम ए का पास में जाएगा, सेकंड लीड्स टीम बी का पास में जाएगा, थर्ड लीड्स टीम ए का पास में, तो फोर्थ लीड्स टीम बी का पास में। इट्स मीन्स ये राउंड ड्रॉबिंग सिस्टम में आपका टीम का साथ में लीड्स को ऑटो शेयरिंग करेगा और ये लीड्स उनका व्हाट्सएप पे और उनका ईमेल पे दोनों ही प्लेटफॉर्म से डिलीवर होते रहेगा। अगर आप भी चाहते हैं वो सारे लीड्स आपका व्हाट्सएप पे और ईमेल पे, अकाउंट सेटिंग्स में क्लिक करके सेंड न्यू लीड्स वाया ईमेल
और सेंड न्यू लीड्स वाया व्हाट्सअप, ये दोनों ऑप्शन को एनेबल कर दीजिए। इससे आपका फेसबुक से या तो वेबसाइट से या तो कोई दूसरा पोर्टल से जब भी कोई लीड्स आएगा तो आपका व्हाट्सएप पे और आपका ईमेल पे इमीडिएट नोटिफिकेशन आ जाएगा, जस्ट लाइक नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ताकि आप उस लीड्स के ऊपर इमीडिएट एक्शन ले सकें। और अगर ये लीड्स आपका टीम मेंबर का साथ में भी उस सेम टाइम में शेयर होता है तो फिर आपका टीम मेंबर भी सेम टाइम में उस लीड्स को कॉल कर सकता है और एक्शन भी ले सकता है। आप असाइन लीड्स पे क्लिक करके किसी भी टाइम आप मैनुअली लीड्स को असाइन कर सकते हैं अपना टीम मेंबर का साथ में। अगर आप खुद इस लीड को मैनेज करना चाहते हैं या तो कमेंट्स देना चाहते हैं तो ऐड एंड व्यू बटन पे क्लिक करके उसका स्टेटस यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं यहाँ से कमेंट भी दे सकता हूँ और उसको सबमिट भी कर सकता हूँ, सेव भी करके रख सकता हूँ। किसी भी टाइम पे आप फिल्टर का ऑप्शन यूज़ करके आपका लीड्स को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा आप अपना एक फ्री अकाउंट बनाएं और लीड इंटीग्रेशंस करके लीड्स को मैनेज करें और अपना साइट विजिट्स को इंक्रीज करें वाया फॉलो अप ऑटोमेशन।